रविवार को बहरोड मार्ग पर व्यापारी से हुई 4.5 लाख रुपए की लूट के मामले में आज सभी व्यापारियों ने अनाज मंडी और कस्बे के मुख्य बाजार बंद रख मंडी के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठकर विरोध जताया। रविवार को एक व्यापारी बैंक से रुपए निकालकर अपनी दुकान पर जा रहा था। पीछे से आई गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी थी और व्यापारी को गिरा दिया। बंदूक की नोक पर व्यापारी से 4.5 लाख रुपए लूट लिए थे। व्यापारियों का कहना है कि जब तक पुलिस लुटेरों को नहीं पकड़ेगी तब तक अपने प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे। पुलिस का प्रशासन का तो इकबाल होना चाहिए, लोगों को रहने, अपराधी बिले खुले रूप से घूम रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण मिलता रहता है, धमकी दे करके फिरौती ले जाते हैं और कल की घटना किस तरह से टक्कर दे करके और उसमें से पैसे ले करके भाग लिए, तो व्यापारियों का आक्रोशित होना और जनता का आक्रोशित होना बेहद जायज है। सरकार को चाहिए वसुंधरा जी को समय रहते हुए प्रशासन को टाइटन करें, पुलिस को टाइटन करें और ऐसे आपराधिक तत्व हैं उनको गिरफ्तार करके चिंक्सों के पीछे डालें। केसेस बनाने में आप सब जानते हैं कि इसी बहरोड तहसील में ऐसे पुलिस अधिकारी भी रहे हैं जिनको देखते हुए शाम को अपराधी अपने घरों में घुस जाते थे, शाम को ढाबों की सर्च आउट किया करते थे और पकड़ के डंडे मार के, तो अलाउड नहीं है लेकिन उठा करके थाने में रात रात बंद कर करके रख देते थे। आजकल ये तो राज की बहुत बहुत बड़ी इंतजामी है, ये अभी थोड़े दिनों का राज है लेकिन इसको इन घटनाओं को रोकना बहुत जरूरी है। अभी हमने पुलिस प्रशासन से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इन लड़कों को पकड़ने के काफ़ी नज़दीक उनकी तफ्तीश पहुंची है, आश्वस्त किया है कि वो जल्दी इनको अप्रीहेंड करेंगे और कलेक्टर महोदय से भी बात की है कि यहीं पर बैंक खुलवाने की व्यवस्था करें ताकि लोगों को दूर तक जाना नहीं पड़े। आश्वासन पुलिस की कार्रवाई पे दिया जाता है, आज पुलिस उनको पकड़ के ला करके बंद करके लंबा बुकिंग करती है तो उससे आश्वस्त होते हैं, और वरना वही लड़के जिनको आज पकड़ के लाए और 3 दिन बाद में कहीं घूमते फिरते बाजार में मिल जाए तो व्यापारी क्या आश्वासन करेंगे। तो सरकार को नीतिगत रूप से फैसला करना चाहिए कि एक तरफ तो इनकी सरकार यूपी में बैठ करके मर्जिया जैसी को निरपराध को भी गोली मार रही है और एक यहाँ जायज जो करने वाले उन लोगों को पकड़ के थाने में बंद भी नहीं कर पा रहे, ये कितनी बड़ी शिथिलता है। मैंने निवेदन किया भाई कि पुलिस ने जैसा आश्वासन दिया कि वो तफ्तीश के बहुत नज़दीक है, यहाँ पे आर्म गार्ड लगा दिए हैं उन्होंने और यहाँ पर बैंक की व्यवस्था के बारे में जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा, ऐसी स्थितियों में पहली बार जो सरकार ने